आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि कई बार जो हमारे डेस्टिनेशन होते हैं, हमारा जो गंतव्य होता है, उससे खूबसूरत जो रास्ते होते हैं ना वहाँ तक पहुँचने के, वो बहुत अच्छा लगता है। तो आज ऐसी जर्नी होने वाली है। हालांकि जर्नी जो है वो तो जोधपुर से साबरमती के बीच में होने वाला है, मतलब कि अहमदाबाद तक होने वाली है, लेकिन जो ये रूट है ना, जिस रूट से हमारी ट्रेन गुजरने वाली है, ये रूट वाकई में बहुत ही शानदार है और बहुत ही रेयर है। मतलब बहुत कम बारी इसमें ट्रैवल किया हूँ मैं। तो आज की जो हमारी जर्नी है वो जोधपुर से साबरमती तक होने वाली है, जहाँ हम लूनी समदड़ी बिल्डी पाटन के रास्ते अहमदाबाद पहुँचेंगे। और ये रूट जो है बहुत स्पेशल है और पूरी दिन की जर्नी होने वाली है। मतलब 450 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरा दिन में कवर करने वाले हैं हम। सिर्फ शाम का वक्त जो है वो हम पहुंचेंगे अहमदाबाद। तो ऑलमोस्ट पूरी जर्नी जो है वो दिन के वक्त में निकलने वाली है। तो बहुत कुछ अच्छा जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस रूट पे। चलो, बस ट्रेन यहाँ से निकलने वाली 11:50 पे, और उसके बाद से अपना सफ़र जो है हम शुरू करते हैं। और पूरी जर्नी के दौरान यही WDP-4D लोकोमोटिव जो है वो हमें अपने गंतव्य तक ले जाने वाला है। मतलब पूरा डीजल रूट जो है वो हमें मिलने वाला है। चलो, ट्रेन चली और चेन पुलिंग जो है वो हो गई। ये सबसे मेन दिक्कत है। उस तरफ शायद से कोई पैसेंजर जो है वो बोर्ड नहीं कर पाया, जिस कारण से चेन पुलिंग जो है वो हो गई। तो चलो, फाइनली अपने निर्धारित समय से 2 मिनट के विलंब के बाद ट्रेन जोधपुर से निकल चुकी है, और ये 2 मिनट का विलंब चेन पुलिंग कारण से हुआ। चलो, ये तो निकली NMG रेक, बहुत छोटी सी थी। बाकी जब से राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हमारी शुरुआत ही वैसे हुई थी, और कचौड़ियाँ इतनी खाई हमने कि हर जगह दिख रही है कचौड़ियाँ अब तो। कचौड़ी देखने का भी मन नहीं कर रहा मेरा तो, लिटरली। तो बहुत खाई है, मतलब बहुत टेस्ट किया जयपुर में, जोधपुर में, फिर अहमदाबाद में भी कचौड़ियाँ बहुत खाई थी हमने। दिल्ली में भी हाँ, बीकानेर और दिल्ली में भी कचौड़ियाँ जो है वो खाई थी। तो इतनी सारी कचौड़ियाँ खा ली कि अब मन जो है ना, अब इससे थोड़ा ऊपर, बिल्कुल ऊपर उठने का मन कर रहा है इससे। तो अब हमने क्या किया कि बोला कि अब हम लोग फ्रूट जो है वो खाते हैं। तो फ्रूट जो है वो ले लिए हमने अलग अलग तरह के, ताकि कम से कम आज का दिन जो है वो निकल जाए हमारा। मेथी की पूरी और पूरी और गट्टे की सब्जी है, मज़ा आएगा। मेथी की सब्जी और गट्टे की सब्जी, तो मेथी बड़े बड़े दाने देखते हो ना, उसकी सब्जी स्टेशन में। इतना तो कुछ खा ही सकते हैं, मतलब ये तो चलेगा, है ना? खा सकते हो? नहीं, बस टेस्ट कर सकता हूँ। चलो, वैसे जोधपुर से निकलने के बाद अपना पहला हॉल्ट जो था वो तो भगत की कोठी था, जो कि जोधपुर के अंदर का स्टेशन है। लेकिन उसके बाद ना लूनी जंक्शन जो है वो आता है, जो कि मेन स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है और जंक्शन स्टेशन है। तो सीधा मैं आपको वही दिखाऊंगा। चलो, फाइनली पहुंच चुके हैं लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन जो है ना बहुत खुला सा और बहुत हरा भरा स्टेशन है। मतलब चारों तरफ स्टेशन पे आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली नीम के पेड़ जो है पूरे प्लेटफॉर्म भर में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत सा शांत सा स्टेशन है ये। और एक और चीज़ आपको बोलूँ तो, लूनी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है समदड़ी जंक्शन की तरफ, जब हम जाने वाले हैं, और एक लाइन इधर से हमारे यानी कि जोधपुर की तरफ से, और एक और लाइन है जो कि निकलती है मारवाड़ की तरफ। और बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो अहमदाबाद उसूर से निकल जाती हैं। बाकी चलो, अपने डिपार्चर का संकेत भी हो गया। और एक चीज़ मैंने देखी है कि लूनी में आपको ना जो रसगुल्ले हैं, वाइट रसगुल्ले हैं, बहुत देखने को मिल जाते हैं। मतलब सारे आपको, हर जगह आपको जो वाइट रसगुल्ले हैं ना वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ के जो रसगुल्ले होंगे वो अच्छे होंगे। एक बार हमने ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम पे रसगुल्ले उतने अच्छे मिले नहीं थे। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आपको रसगुल्ले जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये देखो, ये निकली मारवाड़ की लाइन, और हम सीधा निकल चुके हैं अभी समदड़ी की तरफ। और लूनी जंक्शन से निकलने के तुरंत बाद
ट्रैक के दोनों तरफ हल्के हल्के रेतीले टीले जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि जब मैं बाहर आया तो वो टीले जो है वो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन आगे सफ़र में उम्मीद थी कि और सारे जो रेतीले टीले हैं वो मुझे देखने को मिलेंगे। चलो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है संगड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और सामने कोई तो ट्रेन खड़ी है बिल्कुल खूबसूरत से डीजल लोकोमोटिव के साथ EMD। आओ ये तो अपनी वाली है डाउन, ये आ रही है साबरमती से, मतलब हमारी ठीक डाउन वाली ट्रेन। तो ये है समदड़ी रेलवे स्टेशन और एक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन इस रूट का। और अगर बात करें समदड़ी की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकल जाती है मुनावाव की तरफ। जी हाँ बिल्कुल, हमारा लास्ट स्टेशन, उसके बाद से पाकिस्तान की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी थार एक्सप्रेस है वो इसी रूट से गुजरती है और यहीं से वो मुनावा होते हुए अंदर पाकिस्तान में इंटर हो जाती है। तो इसीलिए समदड़ी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि पाटन बिल्डी होते हुए महसना अहमदाबाद की तरफ, तो ये लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं, और इसीलिए समदड़ी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। पूरी सब्जी तो बहुत बढ़िया मिल जाती है यहाँ पे, और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। तो देखो ये लाइन अलग हो रही है बाड़मेर मुनाबाव की, मतलब अगर आप यहाँ सीधा निकलते हो तो आप पहुँच जाओगे मुनाबाव और बाड़मेर, और अभी जस्ट लूनी रिवर भी क्रॉस होने वाली है हमें, जिसके नाम पे एक लूनी जंक्शन स्टेशन भी था। तो समदड़ी स्टेशन से निकलने के बाद लूनी रिवर जो है वो आती है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस नदी में बिल्कुल पानी नहीं था, और ये सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में यहाँ पे बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं था। गर्मियों की बात तो छोड़ ही दो, हालांकि बारिश में यहाँ पे पानी जो है वो देखना मिलता है इस नदी में, लेकिन बाकी और सीज़न में तो बिल्कुल नहीं दिखता। खैर नदियों में तो पानी बिल्कुल नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ रूट पे बहुत सारे छोटे मोटे पहाड़ जो है वो देखने को मिल जा रहे थे, जिस कारण से ये सारा जो दृश्य है ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और एक नया राजस्थान जो है वो देखने को मिल रहा था हमें। वैसे अगर बात करूँ ना तो मैं इस स्टेशन को दिखाने वाला नहीं था, मतलब स्किप करने वाला था, लेकिन यहाँ की खूबसूरती देख करके बिल्कुल रहा नहीं गया और मैं बाहर आया, और बिल्कुल क्या खूबसूरत स्टेशन लग रहा है। सामने पहाड़, और ये है मौकलसर रेलवे स्टेशन। काफ़ी लोग जो है वो यहाँ से ट्रेन में ऑनबोर्ड होने वाले हैं। बाकी अगर बात करें ट्रेन की ऑक्यूपेंसी की तो बिल्कुल खाली है कोच, मतलब इस कोच में तो हमारे ख्याल से सिर्फ 45% लोग जो है वो इसमें भरे हुए हैं, और बाकी थर्ड एसी की बात करें तो उसमें अराउंड करंट में 300 सीट जो थी वो खाली थी, 7 थर्ड एसी इसमें हैं और ऑलमोस्ट सभी जो है वो खाली थे कोचेस। वैसे इस रूट पे बहुत जाने माने स्टेशन तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े स्टेशन नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ की जो वाइब्स है ना, मतलब यहाँ आने के बाद जो फील होता है वो वाकई में इतना अच्छा था कि सारे स्टेशन पे उतर करके नीचे घूमने का मन कर रहा था। अच्छा मैंने देखी है कि राजस्थान में जितने भी स्टेशन होते हैं ना, मतलब जितने भी छोटे स्टेशन होते हैं, वहाँ नीम के पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख जाते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है आप लोग मुझे ज़रूर से बताना, क्योंकि
हर तरफ मुझे सिर्फ नीम के पेड़ जो है वही दिख रहे हैं यहाँ पे। भाई अंकल से बात हुई थी कि नीम के पेड़ जो है वो इतने ज़्यादा मात्रा में प्लेटफॉर्म्स पे और ऐसा आजकल आयुर्वेदिक भी बहुत उपयोग होता है, आयुर्वेदिक उपयोग भी है और पानी की मात्रा जो है वो भी कम यूज़ होता है, मतलब नीम के पेड़ जो है 100-150 साल तक। तो ये एक मुख्य कारण है कि हर तरफ जो पीपल का, अच्छा पीपल का, तो चलो ये है जालोर स्टेशन। और हाँ एक और चीज़ है, जालोर जो है उसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और साथ ही साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक फोर्ट भी है, जालोर फोर्ट भी है। तो राजस्थान के अंदर ना ऑलमोस्ट आपको हर छोटे छोटे शहर जो होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ कोई ना कोई फोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। और वैसे बात करूं तो जालौर के पास भी खूबसूरत पहाड़ जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं स्टेशन के पास। तो हाँ ये स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे। अब वैसे इस रूट पे बहुत कुछ तो ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं खाने पीने के लिए, तो हम लोगों ने जोधपुर से ही पैकिंग करवा ली थी उपमा की, और फ्रूट्स तो अपने साथ थे ही पहले से। तो चलो अपना लंच जो है वो यही उपमा होने वाला है। और आज ये था कि सिर्फ अच्छा खाना है, कचौड़ी पकौड़ी जो है वो चीज़ें हमको आज अवॉइड करनी है। और बिल्कुल क्या नमकीन दिख रही थी, अच्छा थी क्या अभी जो बहुत नमकीन थी, पता नहीं वो देखा नहीं मैंने, अगर देखता तो शायद ले लिया होता, लेकिन खा नहीं पाते आज तो पूरा प्लान किया कि सिर्फ अच्छा ही खाएंगे हम लोग। और अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो मारवाड़ भीमल स्टेशन जो है वो होने वाला है, तो सीधे मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ। यहाँ भी आप रश देखो, मतलब रश तो है नॉर्मल, जो लोग हैं जो जनरल क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं उनका रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रिजर्व क्लासेस है ना वो बिल्कुल खाली चल रहे हैं, सारी भीड़ जो है वो जनरल क्लास में जा रही है। अच्छा यहाँ भी स्टेशन पे जो डेवलपमेंट का काम है वो हो रहा है ना सर? कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ये अमृत भारत स्टेशन बिल्डिंग बन रही है, उसके तहत नई रेलवे स्टेशन बिल्डिंग बनेगी। चलो तो मतलब ये है कि जितने भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन भी है ना वहाँ भी काम जो है वो हो रहा है, उनको अच्छा बनाने की कोशिश वो की जा रही है अमृत भारत के तहत। चलो सर अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच भैया, आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ। अच्छा चलो ये अच्छा लगा, मतलब भैया ऐसे आए और उन्होंने बोला कि कहीं देखा है आपको हमने, अच्छा वीडियो तो देखा होगा आपने, तो अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही प्रोत्साहन देते हो तो अच्छा लगता है काम करने में भी, थैंक यू सो मच। अब जैसे ही मैं बाहर से अंदर आके बैठा ट्रेन के, तो देखा बाहर रेत के टीले जो है वो दिखने शुरू हो गए, तो वापस फिर से बाहर जाता हूँ और इन रेत के टीलों को देखता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी हम राजस्थान से निकलने वाले हैं और गुजरात में एंट्री होने वाली थी हमारी, तो ये सब जो लैंडस्केप है वो धीरे धीरे अब चेंज होने वाला था। अच्छा बात करूँ अगर रानीवाड़ा की, तो ये ना राजस्थान का आखिरी हॉल्ट है, इसके बाद जो पहला हॉल्ट आएगा वो गुजरात शुरू होगा वहाँ से। बिल्कुल कौन सा? धनेरा। बिल्कुल, तो धनेरा स्टेशन जो है वो गुजरात में आएगा और रानीवाड़ा जो है वो बिल्कुल बॉर्डर है, ये राजस्थान का अंत, और इसके बाद हम गुजरात में एंटर हो जाएंगे। चलिए भैया आप यहीं पर उतर रहे हो। थैंक यू अच्छा लगा मिलकर, मुझे भी अच्छा लगा, थैंक यू। ये सब देख करके बहुत ताज्जुब होता है कि हमारा देश इतना डाइवर्स है कि चंद किलोमीटर्स के बाद आपको कुछ नया जो है वो देखने को मिल जाता है, नया कल्चर जो है वो आप देखते हो इस देश में। वैसे हमने ऑलरेडी गुजरात का जो पहला स्टेशन था वो हमने स्किप कर दिया, लेकिन पहला हॉल्ट जो है ये धानेरा रेलवे स्टेशन है जहाँ हम पहुँच रहे हैं। वैसे स्टेशन पे तो कहीं लिखा नहीं, लेकिन हाँ देखो अब गुजराती जो है आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, मतलब और ऑफिशियली हम तो वैसे गुजरात में आ चुके हैं, ग्रीनरी स्टेशन भी है। और मैंने ना इस तरह से जो चिड़ियों को पानी देने के लिए ये जो चीज़ बनाई जाती है ये मैंने राजस्थान में बहुत देखा है, और यहाँ गुजरात में भी, मतलब गुजरात के स्टार्टिंग स्टेशन में भी ये सब मुझे बहुत देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही होता है,
कोई भी चीज़ अचानक से ख़त्म नहीं होती, वो फेड होती है, वो अचानक से कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है। तो वैसे ही देखा जाए तो बॉर्डर चाहे कोई भी हो, लेकिन जो वहाँ की सभ्यता है, जो कल्चर है, वो धीरे 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 फेड होती है। एक साथ ऐसा नहीं कि राजस्थान में आप तुरंत अलग देखा आपने और फिर गुजरात आते ही कुछ अलग दिख गया आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मेन सिटी में आने के बाद होगा, वो थोड़ा और अंदर आने के बाद होगा, लेकिन जो बॉर्डर वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि हम राजस्थान में आ गए या फिर हम गुजरात में आ गए। ऑल्दो कहीं कुछ लिखा होगा, उससे आप समझ जाओगे कि आप किसी और स्टेट में आ चुके हो, लेकिन जो कल्चर है और बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें इतनी देर समझ में नहीं आती, वो धीरे धीरे फेड होती है और आपको बिल्कुल समझ में आएगा ही नहीं कि कब आप गुजरात जो है वो पहुँच गए। जैसे अभी मैं लोगों का पहनावा जो है वो देखूँ अगर, तो बिल्कुल बिल्कुल राजस्थानी पहनावा जो है वैसे ही है, पर ये पहनावा धीरे धीरे बदलता जाएगा और जैसे गुजरात के हम और अंदर पहुँचेंगे, वहाँ बिल्कुल ये चेंज हो जाएगा। अब गुजरात में एंट्री लेने के तुरंत बाद ना एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अचानक से जो लैंडस्केप है वो चेंज होने लगता है, मतलब धीरे धीरे जो रेत के टीले थे वो ख़त्म होने लगते हैं और फिर हरियाली जो है वो दिखना शुरू हो जाती है। अब और पालनपुर की तरफ से आती हुई ये लाइन हमें बता रही है कि हम भिल्डी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। क्या खूबसूरत अराइवल हो रहा है भिल्डी जंक्शन पे अपना, शाम ढल रही है और इस खूबसूरत से रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल हो रहा है। और देखो यहाँ पे लिखा होगा कि इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे समदड़ी, लूनी और जोधपुर के लिए गाड़ियाँ जो हैं वो आप बदल सकते हैं। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि लाइन जो है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। ये देखो प्लेटफॉर्म के बिल्कुल आगे निकल चुका है जनरल क्लास और एकदम एंड पे हम आ रहे हैं। क्या खूबसूरत, क्या मतलब बढ़िया रेलवे स्टेशन है यार। और इस रूट के सारे रेलवे स्टेशन जो है ना मुझे बहुत ही अच्छे लगे, स्पेशली जिन स्टेशन्स पे मतलब बिल्कुल रश नहीं होता और खाली होते हैं। और देखो प्लेटफॉर्म पे कितनी भीड़ है, मतलब बिल्कुल भीड़ नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक बिल्कुल खाली और शेड्स उतने नहीं हैं, तो बिल्कुल खुला खुला स्टेशन जो है वो लगता है ये। हालांकि इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, मतलब अब पोल्स आपको पूरे स्टेशन भर में देखने को मिलेंगे। एक ज़माना था, एक वक्त था जब ये पोल्स का नामो निशान नहीं था यहाँ पे, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट हर जगह इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो हो रहा है और ऐसे ही पोल्स आपको हर स्टेशन में देखने को मिलेंगे। लेकिन वो एक दौर था जब स्टेशन पे इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं होते थे, बिल्कुल सब कुछ दूर दूर तक अच्छा दिखता था। और बात करोगे भिल्डी की, तो ये एक जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है समाखैली जंक्शन से, जो कि आगे गांधीधाम निकल जाती है, और एक लाइन यहाँ से निकलती है पालनपुर की तरफ, और एक लाइन इधर से हम आ रहे हैं यानी कि जोधपुर समदड़ी की तरफ से। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, इसलिए भिल्डी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल समय से अपना डिपार्चर भी हो गया यहाँ से, ट्रेन ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे 10 मिनट रुकी थी, हालांकि यहाँ पे क्यू चेंज जो है वो होता है जिस कारण से इतना टाइम जो है वो लगा ट्रेन को, और फाइनली अपना डिपार्चर हो गया भिल्डी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब भिल्डी से डिपार्चर के बाद जो गांधीधाम की लाइन है या फिर जो समाखैली की लाइन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी सनसेट जब होगा ना उसके बाद से और मज़ा आने वाला है, मतलब जो शाम का दृश्य है ना, जो शाम की ट्रेन जर्नी होती है ना, वो सच में बहुत लाजवाब होती है। और ऐसे रूट पे जो कि नया हो, जो कि कम एक्सप्लोर्ड हो, वैसे रूट पे अगर शाम देखने को मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। और यही वो लाइन है जो कि आगे समाखैली जंक्शन होते हुए गांधीधाम पहुंच जाती है। तो आज का जो सूर्योदय था वो हुआ राजस्थान में और सूर्यास्त जो है वो हम गुजरात में देख रहे हैं, और क्या खूबसूरत सूर्यास्त जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ आप इस सूर्यास्त को एंजॉय करिए, बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगले स्टेशन पे। तो मुझे लगा था कि हम बानस रिवर को बहुत अच्छी खासी रफ्तार में क्रॉस करेंगे, पर ट्रेन की रफ्तार बहुत स्लो है और ऐसे में ये खूबसूरत सनसेट के साथ इस रिवर में पानी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सूख चुकी है नदी, पर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ये दृश्य।
तो चलिए इसी खूबसूरत सूर्यास्त के बाद हमारी ट्रेन पहुंच रही है पाटन रेलवे स्टेशन, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही पौराणिक शहर है, जो बसा है विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी किनारे। हालांकि आज भी आपको सरस्वती नदी के जो अंश है वो देखने को मिल जाएंगे आसपास। और अगर बात करूँ पाटन की ना, तो यहाँ पे आपको रानी की वाव जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है। और इस स्टेपवेल को रानी उद्यमती ने बनवाया था अपने पति भीमा की याद में। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही खूबसूरत है। और आपको जो 100 रुपये के नोट है ना, उसके पीछे का जो स्ट्रक्चर आपको जो देखने को मिलता है, बिल्कुल वो यही रानी की वाव है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी घूम चुका हूँ, लेकिन आप जब भी यहाँ पे आओ तो ज़रूर से इस जगह को आप विज़िट करना। पाटन से निकले हुए ट्रेन को काफ़ी टाइम हो गया और खूबसूरत रूट लगा मुझे ये बिल्कुल। और जिस हिसाब से जैसे ही गुजरात में इंटर हुए ना, और जो शाम हुई ना, और सब कुछ ग्रीनरी, और इतना ज़्यादा अच्छा लगा, सब कुछ पीसफुल। मतलब ये रूट जो है एक बार ज़रूर से एक्सप्लोर करना चाहिए था मुझे पहले भी, हालाँकि रात में शायद किया होगा मैंने, पर ये रूट बहुत अच्छा लगा मुझे फ़िलहाल तो। और अभी हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है वहीं से ना, तो वापस हम मेन लाइन में आ जाएंगे, मतलब अहमदाबाद दिल्ली मेन लाइन पे हम आ जाएंगे, और उसके बाद से सीधा हम पहुँचेंगे साबरमती। तो जितना रूट था ना, जितना आपको दिखाना था, वो सब मैंने आपको दिखा दिया रूट का। सिर्फ अब महेसना और साबरमती जो है वो बचा हुआ है, तो बाकी जो मेन रूट था वो ये था। और मुझे ये सफ़र करके बहुत बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगा। तो ये देखो, ये आ रही है पालनपुर की तरफ से लाइन, और इसका मतलब ये है कि अब हम बिल्कुल नई दिल्ली अहमदाबाद मेन लाइन पे जो है वो मिल जाएंगे। मतलब और पालनपुर की तरफ से आने वाली लाइन ये हमें बता रही है कि हमारा अराइवल महेसना जंक्शन पे होने वाला है। तो ये जंक्शन स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से ना, एक तो वडनगर वेठा की तरफ से लाइन जो है वो आती है, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है पालनपुर की तरफ, और एक लाइन इधर से हमारे यानी कि पाटन भिल्डी वाली लाइन हो गई, और एक लाइन यहाँ से वीरम गांव की तरफ भी गई हुई है, और एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि अहमदाबाद साबरमती की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिल रही हैं, और इसलिए महेसाना जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और चलो, रात के 8 जो है वो बज चुके हैं, और अपना अराइवल हो रहा है साबरमती रेलवे स्टेशन पे। और महेसाना के बाद मैंने कुछ दिखाया नहीं आपको, क्योंकि कुछ दिखाने लायक था भी नहीं, सिर्फ अराइवल जो है साबरमती का वो आपको दिखाना था। ये नया रूट तो नहीं था, पर हाँ बहुत कम बारी इसको एक्सप्लोर लोगों ने किया है, तो सोचा क्यों ना एक बार इसको एक्सप्लोर किया जाए, इस रूट को देखा जाए। और आशा करता हूँ कि आपको भी ये रूट अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा इस जर्नी को देख करके। और ये बुलेट ट्रेन के लिए पिलर जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ हो रहा है, बहुत तेज़ काम जो है वो हो रहा है। और देखते हैं कि 2025 तक बुलेट ट्रेन जो है वो चलती है यानी, क्योंकि सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं इस बुलेट ट्रेन का। फ़िलहाल तो अराइवल हो रहा है अपना साबरमती पे। और ये जो आप तेजस के रेक्स देख रहे हो, ये मोस्टली अहमदाबाद राजधानी को मिलने वाले हैं, और ये उसी लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो अहमदाबाद राजधानी को भी अब तेजस रेक्स जो है वो मिल जाएंगे, तो दरवाजे जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, और थोड़ी अच्छी फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी। तो रूट जो था वो थोड़ा नया था, और अच्छा लगा एक्सपीरियंस करके। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत। मैं तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने में लगा हुआ था, इतना कुछ शाम के समय में मिला, नील गाय, मोर, बंदर। बाकी मैं तो पहली बार इस रूट में ट्रैवल किया, आप लोगों ने तो किया था आई गेस, पहली बार मैं डेजर्ट, इस रूट में डेजर्ट भी देखने को मिला और ग्रीनरी भी देखने को मिली,
काफ़ी अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। चलो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस सबका बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही पीसफुल रूट था और काफ़ी अच्छा लगा जर्नी करके। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जर्नी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।